गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे नाउ वी स्टार्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.6। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ द फॉलोइंग सर्कल्स। आपको जो बुक में सर्कल्स दे रहा है आपको रेडियस दे रखी है, 4 सेंटीमीटर के आपको सर्कल ड्रॉ करना है, 3 सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर का एंड 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसका आपने क्या करना है, सेंटीमीटर सर्कल जो है वो आपने ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे मेरे पास कंपास नहीं है, बट मैं आपको फिर बता रही हूँ हमें किस तरीके से करना है। आपने स्केल लेना है और कंपास लेना है। यहाँ पे कितना लिखा है बेटा, 4 सेंटीमीटर। कितना लिखा है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर आप क्या करोगे, 0 से लेके, स्केल में आपने 0 से नंबर होते हैं ना, 0 से लेके 4 तक क्या करेंगे, अपने जो कंपास है उसको ओपन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उस कंपास को, कंपास की जो पिन है उसको बीच में रख के आपने सर्कल क्या करना है, ड्रॉ क्या करेंगे, आप सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और इस तरीके से आप लिखेंगे फिर सेंटर में डाल के 4 सेंटीमीटर। आप चाहे नीचे लिख लीजिए या फिर ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, आपने इस तरीके से 0 से लेके 4 तक 4 सेंटीमीटर लिखा है ना, तो कंपास को 0 पे रखेंगे और 4, ठीक है, 0 से लेके 4 तक ओपन करेंगे और फिर क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का सेंटर में पिन करके 4 सेंटीमीटर का आप सर्कल ड्रॉ करेंगे। राइट, बीच में आपने एक सेंटर पॉइंट होगा जहां आप पिन रखेंगे और इसके ऊपर आप लिखेंगे 4 सेंटीमीटर और ये है ओ, इसको आप कुछ नाम दे दीजिए ए। ठीक है, इस तरीके से आपने ड्रॉ करना है। 3 सेंटीमीटर का आप वैसे ड्रॉ करेंगे। आप देखो 4.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो आप देखो आप 4.5 सेंटीमीटर है आपका सी, इसको कैसे करना है। अब आप बोलोगे 4.5 तो लिखा ही नहीं है यहाँ पे, ये जो आप छोटी छोटी लाइंस देखते हो ना बेटा, 4 के बाद आपने क्या करना है, 5 लाइंस काउंट करनी है। ठीक है, 4 के बाद क्या करोगे, 5 लाइंस काउंट करोगे और अपना कंपास, कंपास वहां तक करोगे जहां पे वो 5 लाइन है। 4 के बाद, 4 के बाद 5 लाइन काउंट करोगे, 5 लाइन ऑनली। ठीक है, 4 के बाद 5 लाइन, 1 2 3 4 5, तो यहां तक क्या करेंगे, अपना कंपास को ओपन करेंगे और फिर सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको ड्रॉ करेंगे खुद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अब हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपने खुद करना है, कंपास की हेल्प से आपने क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करने हैं जो आपको गिवन है, 3 सेंटीमीटर के, 4 सेंटीमीटर के, 4.5 सेंटीमीटर के एंड लास्ट जो है 4 सेंटीमीटर का। तो जितना सेंटीमीटर लिखा है उतना सेंटीमीटर आप अपना कंपास ओपन करेंगे और सर्कल को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखिए कौन सी फिगर है, गिवन देखिए फिगर है हमारी, ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट, 5 ड्रॉ कर, 4 ड्रॉ कर लिया हमने।
बी सी जी ए एफ एंड ई। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, कोड बताना है। तो ऐसी ऐसे कोड क्या होते हैं, ऐसी लाइन होती है सर्कल के अंदर जो दोनों पॉइंट्स को सर्कल के टू पॉइंट्स को क्या करती है, टच करती है। ऐसी लाइन जो सर्कल के दोनों एंड पॉइंट को क्या करती है, टच करती है। तो कौन कौन से, देखो कौन कौन से कोड है इसमें, आप लिखेंगे एफ ई, या देख रहे हो ना ये एफ ई कॉमा एच डी, या देख रहे हो एच डी टू पॉइंट्स को टच कर रही है, एच डी और बी सी, बी सी एंड जी ए, जी ए ये वाली लाइन, जी ए ये भी क्या है आपका कोड, जी ए ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ई एफ सॉरी एफ ई कोड है, एच डी कोड है, बी सी कोड है एंड जी ए कोड है ये आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फोर, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। फर्स्ट देखिए, अ डायमीटर इज द डैश कोड ऑफ द सर्कल। डायमीटर क्या है, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। बी देखिए द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड, जो डिस्टेंस होता है सर्कल के अराउंड बाहर की तरफ उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट देखिए सी, हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, सर्कल का हाफ, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, इसका हाफ क्या होता है बिना, इसके हाफ को बोलते हैं सेमी सर्कल। हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। देयर इज ओनली वन डैश इन अ सर्कल। सर्कल में क्या क्या चीज, ऐसी कौन सी चीज है जो एक होती है, वो है आपका सेंटर, ओनली वन सेंटर। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। और जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव भी करना है आपने, मैं वन बाय वन इसको आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, नेक्स्ट देखिए रिव्यू एक्सरसाइज। अब रिव्यू एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आपने, वन टू थ्री नहीं कर रहे हैं, स्टार्टिंग के थ्री क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऑनली क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल्स। जो आपको एंगल्स गिवन है उसको आपने क्लासिफाई करना है। 360 डिग्री का एंगल है ना, तो ये कौन सा एंगल है, इट इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, बिकॉज ये 90 डिग्री से छोटा है। तो 90 डिग्री से छोटे एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं आपके, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है, ये कौन सा एंगल है बेटा, राइट एंगल, राइट एंगल। और ये सी, ये कौन सा एंगल है आपका, ये है ऑब्ट्यूज एंगल, बिकॉज ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री का क्या करना है बेटा, आपने एंगल बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या करना है, 180 डिग्री का एंगल बनाना है आपने। इसको आप खुद करेंगे, कंपस से आप ओपन करेंगे, कंपस आप 180 डिग्री ओपन करेंगे और क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे इस टाइप का, होता है आपका 180 डिग्री का एंगल। ठीक है,
ये आपको कौन सा एंगल होता है बेटा, ये आपका होता है 180 डिग्री का एंगल, आपकी बुक में भी गिवन है ये। ये देखिए ये कौन सा एंगल होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। इस तरीके से आपने ड्रॉ करना है, आप कंपास की हेल्प से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आप पहले एक कर्व बनाएंगे, लाइन डालेंगे, फिर सेंटर से क्या करेंगे, यहाँ पे आप कंपास की पिन रख के कर्व बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, कितने कितने डिग्री ऊपर रखेंगे, 180 डिग्री अपने कंपास को क्या करेंगे, आप मेजर करेंगे शहर डी से, ठीक है, क्या करेंगे आप डी को 180 डिग्री ओपन करेंगे और फिर ड्रॉ करेंगे। इस टाइप का होता है आपका 180 डिग्री का एंगल, ए बी सी, ठीक है, इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो रिव्यू एक्सरसाइज में हमने 3 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन नहीं करेंगे आप। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स, डायमीटर इज डैश द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है, डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस, डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, डी ओ यू बी एल ई, डबल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स का सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड अ कोण, जब टू लाइंस जो है वो क्या करती है, ज्वाइन होती है, सर्कल से टच होती है, वो कौन सा, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कोण, दैट इज कॉल्ड कोण, जो टू पॉइंट से क्या होती है, ज्वाइन होती है। नेक्स्ट डायमीटर इज ऑल्सो अ कोण, डायमीटर क्या है, एक कोण भी है। अब है हाफ अर्थ सर्कल इज कॉल्ड, सर्कल का हाफ मैंने आपको बताया था, इज कॉल्ड सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है, इसको आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। नाउ योर होमवर्क इज review exercise